बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आज, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये वैक्यूम क्लीनर नेस्ट में यूज़ कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ, तो मैं आज आपको बता दूँ कि मैं आज बनाने जा रही थी सिंगापुरी नूडल्स। तो जो मैंने खाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो उसमें मैं ये जो नूडल्स होते हैं ये यूज़ कर रही हूँ और यही यूज़ होते हैं। अगर आप चाहो तो इसके बदले आप जो भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें दो तरह के नूडल्स होते हैं, राइस नूडल्स भी होते हैं। अगर आपके राइस नूडल्स भी जो होते हैं वो मिल जाए तो वो भी बेस्ट होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं। तो ये नूडल्स को उबालना है। उसके उबालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसको ज़्यादा उबालना नहीं होता है। तो ऑलरेडी जो पानी उबल रहा होता है तो उसमें एक मिनट के लिए इसे डालना होता है और बस। तो चलिए आइए हम इसे डालते हैं। तो देखिए मेरा पानी बॉयल हो चुका है, काफ़ी हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी वन टी स्पून नमक डालूँगी, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर ये नूडल्स डालूंगी। तो देखिए दो, जब ये मेरा पानी जोश में था और मैंने ये नूडल्स डाल दिए थे, ठीक है। तो ये देखिए मैं नल खोल रही हूँ, पहले से ही मैंने नल खोल दिया है और ये मैं अपने कटोरे में डाल रही हूँ। तो सेकंड स्टेप ही ये चिकन के पीस मैंने किए हैं। आप भी जैसे ब्रेस्ट पीस ले लीजिए, और आपके जो ब्रेस्ट पीस का अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो उसके 3 लेयर्स काटेंगे और उसके बाद इस तरह छोटे छोटे स्लाइस करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। इसके अंदर चाहे कि काली मिर्च को आप अपने टेस्ट वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा कॉर्न फ्लावर, ठीक है। ये देखिए मेरे पास कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर डाल रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर जाएगा और हम इसको अब मिला लेंगे, ठीक है। हाथ से ही मिलाऊंगी। अब इसमें थर्ड जो प्रोसीजर है उसमें मैं बनाने जा रही हूँ चीनी ऑयल, जो इसका खास होता है। उसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 पेपरिका मिर्च, ठीक है। पेपरिका मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो डाल दीजिए, ठीक है। और 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, ठीक है। ये 1/2 टीस्पून ही चले गया। इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल, जो ऑलरेडी मैंने गरम करने रख दिया है, ठीक है। तो ऑयल मेरा गरम हो चुका है तो मैं ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए। प्रोसीजर पे आते हैं, मुझे इसके अंदर चाहिए कड़ी पाउडर। अब कड़ी पाउडर मैंने ख़रीदा नहीं है, जो मैं आपको आज घर में बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ करूँगी 1/2 टी स्पून। जितना मुझे मसाला अभी चाहिए मैं सिर्फ उतना ही बना रही हूँ, ठीक है ना। तो 1/2 से 1/2 टी स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च। इसमें 1/2 टी स्पून डालूँगी धनिया का पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी 1 टी स्पून जो होती है उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर भी मैं 1 टी स्पून ही डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा चाट मसाला थोड़ा सा। आपको लग रहा होगा
हम जो खाना खाते हैं जो एशियन लोग, तो उसमें सिंगापुरी लोग भी बहुत, मैंने देखा है कि स्पाइसी खाना खाते हैं, उनमें टेस्टी खाना होता है, यानी चटपटा खाना जो होता है, ये लोग वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उनके खाने इसी तरह होते हैं कि चटपटे होते हैं। और जो मैंने अभी चिली फ्लेक्स ऑयल खाया है, ये लाजमी इनके खाने में होता है। तो ये मैंने चाट मसाला भी डाला, और अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, ठीक है। सो अब इन सबको मिक्स कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं कि मुझे वेजिटेबल्स में क्या क्या चाहिए होते हैं। मैंने एक दरमियानी ऑनियन प्याज ली, और आम जो रफली हम लोग कटिंग करते हैं, मैंने वो कटिंग कर ली है। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है, इसके अलावा मैंने ये रेड शिमला मिर्च ली है, और मैंने इसमें लिया है स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन को भी मैंने इसे कटिंग किया, इसमें मैंने दो स्प्रिंग ऑनियन लिए पतले वाले, इस तरीके से ये इसके सब्स को अलग रखा है और इसको अलग रखा है। और इसमें चाहिए होगा अदरक चॉप किया हुआ, लहसुन चॉप किया, और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, और 1 टेबल स्पून मैंने चॉप किया हुआ जिंजर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर चाहिएगा हॉट चिली सॉस, ये चाहिएगा 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा जाएगा ये सोया सॉस भी जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा जाएगा वाइट विनीगर जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ठीक है, 1/2 टीस्पून तक ये विनीगर यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा ये जो चिकन है, और चिकन को थोड़ा सोते कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें वापस से थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब ये ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारा चॉप किया हुआ लहसुन, इसको थोड़ा सोता करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद अदरक, इसको बिल्कुल लाल नहीं करना लहसुन को, ठीक है, हमें थोड़ा सा बस इसे पकाना है कि इसका कच्चा पन जो है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ अदरक, ठीक है, अब ये अदरक है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अदरक को भी थोड़ा सा ही हम इसको पकाएंगे, और अदरक को थोड़ा जब ये हमारा हो जाएगा तो हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज। अब ये जो प्याज है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सो अभी दोनों जो हमारे पास शिमला मिर्चें पड़ी हुई है हम ये डाल देंगे। तो अब ये जो मेरा मसाला है कड़ी मसाला, मैं ये डाल देंगे। और साथ साथ इसे चलाते जाएंगे। अब इसके अंदर मैं वापस से नूडल्स डालूंगी और इसको फ्राई करूंगी। अंदर डालूंगी मैं 1 टीस्पून सुरका, ये 1 टीस्पून सुरका जाएगा, विनीगर वाइट विनीगर ही यूज कीजिएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा हॉट चिली सॉस, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं हमारा चिली जो ऑयल है वो, और मैं आपको चिली ऑयल की शक्ल भी बता दूँ। देखिए इसी तरह का होता है ये चिली ऑयल, इसके ऊपर से हिजाब को हटा दिया जाए और ये चिली ऑयल इस तरीके से। तो फाइनली मेरा सिंगापुरी नूडल्स तैयार है और इसके ऊपर अपनी स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ गार्निश के लिए। ठीक है, ये मेरे स्प्रिंग ऑनियन चले गए गार्निश के लिए। सो ये मेरी डिश फाइनली तैयार हो चुकी है, सिंगापुरी नूडल्स। आई होप आपको सिंगापुरी नूडल्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।